स्मोकिंग कंटिन्यूसली करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो बढ़ता है, साथ में आपका ब्लड प्रेशर की मात्रा भी बढ़ती है, आपका ऊपर से वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसके अलावा शरीर में दूसरे भी चेंजेस आते हैं। कंटिन्यूसली स्मोकिंग करते रहने की वजह से पेशेंट्स में अपार्ट फ्रॉम हमारे हार्ट के अलावा दूसरे ऑर्गन जैसे लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होना चालू होता है। लोगों को COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या अस्थमा यानी दमा का शिकायत बढ़ना चालू होता है। उसके अलावा आ, 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 कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। आपने सिगरेट के पैकेट के ऊपर या तंबाकू के पैकेट के ऊपर काफ़ी सारे फोटो देखे होंगे, मुंह के कैंसर के, फेफड़ों के कैंसर के, वह इतर ऑर्गन के कैंसर के, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा ये अगर स्मोकिंग करने की वजह से सिमिलर टू हार्ट ब्रेन के जो ब्लड वेसल है उसमें भी ब्लॉकेज आना चालू होता है, वो उसके वजह से स्ट्रोक यानी पैरालिसिस की चीज़ हो सकती है। सिमिलर टू किडनी, अगर किडनी में किडनी की नसों में स्मोकिंग के वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, आगे जाके किडनी की बीमारी बढ़ सकती है। अगर पैरों की नसें देखेंगे तो उसमें भी ब्लॉकेज आना चालू होता है, जिसे हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज बोलते हैं, PAD। वो उसके वजह से पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, चलने में दिक्कत आती है ना। और भविष्य में अगर ऐसा कंटिन्यूसली होता रहा तो उसके वजह से पैरों में गैंग्रीन हो सकता है, वो उतना हिस्सा पैर का काटना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको अभी प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो स्मोकिंग प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका खुद का विल पावर, स्ट्रांग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने से, आपके घर के रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड के कहने से या मेरे कहने से स्मोकिंग आप बंद नहीं करने वाले हैं। वो जब तक आपके अंदर की खुद की जो आत्मा है, अंदर का जो माइंड है, जब तक वो खुद आपको सचेत नहीं करेगा तब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। तो कितना भी अपन कोशिश कर ले स्मोकिंग छोड़ाने के लिए, हम लोग सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका खुद का सेल्फ इस्टीम नहीं जागरूक होगा, आप खुद नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज से सिगरेट पीना कम करूंगा, मैं रोज 20 सिगरेट पीता हूँ, फिर 10 पीऊंगा 1 महीने के बाद, फिर उसके अगले महीने मैं 2 करूंगा, फिर 1 करूंगा, फिर आधी करके छोड़ूंगा। ये चीज़ें से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इमिजिएटली सिगरेट को छोड़ना है या टोबैको छोड़ना है, उसके लिए आप कोई भी महीने की एक डेट डिसाइड करिए या कोई तारीख जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बर्थ डेट या आपकी एनिवर्सरी है या कुछ इंपॉर्टेंट तारीख जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तारीख पे आप स्मोकिंग, टोबैको या बाकी चीज़ें छोड़ने का प्रण ले सकते हैं, वो इमिजिएटली आप छोड़िए। तो इस तरीके से दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें स्मोकिंग छोड़ने के लिए, एक तो आपको खुद को छोड़ना है, किसी के कहने पे छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, उससे तो और आप प्रोवोक करते रहेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब सडनली छोड़ना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जैसे कि दारू यानी अल्कोहल या फिर जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं तो वो अगर इमिजिएटली छोड़ते तो उसके वजह से शरीर पे दुष्परिणाम होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, जैसे अगर कोई ड्रिंक या फिर ड्रग्स सेवन करते हैं और वो इमिजिएटली छोड़ते हैं तो उनके शरीर पे परिणाम होते हैं, उसे हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स बेसिकली शरीर हमारा डिपेंडेंट हो जाता है अल्कोहल या ड्रग्स के ऊपर, लेकिन जो स्मोकिंग है उसमें वैसा नहीं होता है। अल्कोहल या ड्रग्स इमिजिएटली छोड़ने पे लोगों को पेट में दर्द, क्रैम्प्स, वोमिटिंग हो सकती है, किसी किसी लोगों को फिट्स यानी कन्वर्जन, चक्कर, बेहोशी जैसे भी चीज़ें आ सकती है, लेकिन स्मोकिंग में ये चीज़ें नहीं रहती। स्मोकिंग इमिजिएटली छोड़ने पे आपके शरीर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, उल्टा आपको फायदा ही पहुंचता है, क्योंकि स्मोकिंग जो है हमारा शरीर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ हमारे माइंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट जिसे कहेंगे हम, तो हमें इमिजिएटली छोड़ना है। मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी साइकेट्रिस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं, मानसिक डॉक्टर की आप हेल्प ले सकते हैं, जो आपको स्मोकिंग छुड़ाने में मदद करेंगे। दूसरा है कि आप सिगरेट या तंबाकू के बदले दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोप हो गया है, लौंग हो गया है, इलायची हो गई, तो इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, जिसे इट विल एक्ट एज अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे, काफ़ी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, निकोटीन पैच या निकोटीन गम्स, च्युइंग गम जैसे रहते हैं, तो उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं, उसके द्वारा भी हम स्मोकिंग से निजात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको साइकोथेरेपी की हेल्प लेना है, कुछ काफ़ी सारी मेडिसिन भी आती है जिससे भी आप स्मोकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सेकेंड हैंड स्मोकिंग, वो क्या होता है। तो जैसे आज मैं स्मोक कर रहा हूँ तो मुझे मेरे शरीर में तो प्रॉब्लम हो ही रही, बट मेरे आसपास के लोगों में, मेरे फैमिली में, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे मदर फादर को, जो भी अपने आसपास के लोग हैं, उनको भी स्मोकिंग की वजह से जितने आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको भी सेम उतने ही प्रॉब्लम हो रहे हैं।
उसे हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग इफेक्ट्स कहते हैं। तो आपकी तो प्रॉब्लम आ ही रही है, उसके अलावा आपके साथ वाले लोगों को भी हार्ट की व दूसरे डिजीज की प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको जितना आपको खुद के लिए जिम्मेदार रहना है, उतना आपके फैमिली के लिए भी जिम्मेदार रहना है। वो स्मोकिंग से अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करना है, कम्प्लीटली बंद करना है। तो आशा है, जैसे मैंने अभी आपको स्मोकिंग के बारे में बताया, तो आज का ये हमारा शॉर्ट वीडियो, इससे आपको स्मोकिंग के बारे में काफ़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, स्मोकिंग छुड़ाने में काफ़ी मदद होंगी, वो हार्ट डिसीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस लिंक पे नीचे दिए इस पे मैसेज आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगले हमारे इसमें और भी बात करेंगे। थैंक यू।